बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो कि अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनके साथ कितना नाइंसाफी होता है। आज हम उन्हीं से, आप उन्हीं का मुझवानी सुनिए कि किस तरह वो लोग को जूझना पड़ रहा है अपनी ये प्रॉब्लम से। बताइए तो आप कितने दिन से जॉब कर रहे हैं? हम 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 10 साल से जॉब कर रहे हैं वहाँ से। आप ये जुलूस जो निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? हमें वापस नौकरी पे नहीं लिया जा रहा, हमें बिना फालतू के उस चक्कर में निकाल दिया। हम बहुत परेशान हो गए, हम 8 महीने से हमें बिना फालतू के चक्कर में नौकरी से निकाल दिया। हमारी गलती कुछ नहीं, हमने अपना, हमारी गलती ये है बस, हमने PF अपना बोनस मांगा, इस बात को लेकर हमें जॉब से निकाल दिया। हम अब इतने परेशान हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर हमारा बस चला तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, क्योंकि घर में खाने को नहीं है तो हम क्या करें? लेडीज़ होकर अपने बच्चों का पेट पाल लेते, जबकि मेरी 2 बेटियां भी काम करती थी, एक मेरी बहन। बस मैंने निमेश देसाई से क्या बोला कि हमारा बोनस और PF कहाँ है? इसकी सजा मेरे परिवार को इतनी दी है कि एक बहन है मेरी और 2 बेटियां, सबको ही नौकरी से निकाल रखा है उसने। मुझे अपना हक चाहिए, मुझे वापस नौकरी पर चाहिए। इसके लिए क्या है, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वापस नौकरी पर जाकर रहूँगी। किस किस तरह से आप लोग को वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था? वहाँ हम लोग का बहुत जुल्म सहने पड़ता है, बार बार कोई आके कोई टॉर्चर करता है। अगर ड्यूटी करते हुए भी हम लोग का कहते हैं कि तुम्हारा कंप्लेन है। फिर हम लोग का 2004 से ड्यूटी पे लगी हूँ, 2004 से लेके 2017 में 24 तारीख को मेरे को बुलाया गया कि तुम वर्दी आकर ले जाओ। मैं वर्दी लेने को गई तो वहाँ जाते बहुत और बहने गए तो सीधे जाके बोल रहा कि पुराने लोग का करेक्टर लूज है, हम वर्दी नहीं देंगे। इतने में हम लोग वहाँ से आकर SK सिंह त्रिपाठी के पास, SK सिंह के पास गए, वो सबको नाम लिख लिए, हम लोग का जितना हम लोग का था सबको नाम लिख लिए। और लिख के इतने में वो बोले कि अब तुम लोग का नौकरी मिल जाएगा, जाओ। और दूसरा दिन हम लोग का नौकरी नहीं दिया, निकाल दिया। हम इतना तक गिरे हुए, हम अपना किडनी देते हुए अपने पति का किडनी दिए हैं, मेरे 4 बच्चे, 2 लड़के, 1 लड़का, 1 लड़की को पहले निकाल दिया, फिर मुझे निकाल दिया, फिर मेरे हस्बैंड को वहाँ लगा दिए थे श्रीकोटी में कि मतलब ये करेंगे, तो उनका 2 दिन ड्यूटी करा के उनको भी निकाल दिया, ये कह के कि ये संध्या के आदमी हैं। बताइए संध्या क्या कर सकती है कि वो ऐसे कह कह के निकाले हैं। और यहाँ तक SK सिंह बोलते हैं कि मेरे घर में झाड़ू पोछा करो तब तुम्हारा आदमी का नौकरी दे देंगे और तुम मेरे घर झाड़ू पोछा करो। सर ये बताइए, मैं सिक्योरिटी होकर उनके घर झाड़ू पोछा करेंगे जब मेरे को नौकरी देंगे वो? मुझे नौकरी चाहिए मैम। जैसे कि आपको करेक्टर लूज बताया तो उस टाइम आपको पूछे नहीं कि हम किस बेस पे करेक्टर लूज है? बोले कि नहीं, पुराने वाले करेक्टर लूज है। वो आसमानी राणा बोले, सुरेंद्र एक फील्ड ऑफिसर वो बोले, SK सिंह बोले, और ये बात SK बहुत सारे लोग थे। अब इतना तो नए नए वाले ठेकेदारों को मैं पहचाने नहीं। इतना कह के हम लोग गुस्सा में बाहर निकल के अपना ड्यूटी पर चले गए। इमरजेंसी में ड्यूटी रहती थी, 2004 से मेरा इमरजेंसी ड्यूटी लगती है, और कभी कोई कंप्लेन नहीं सर। और अपना किडनी देते हुए, अपना पति को किडनी देते हुए अपने बच्चे को पाली हूँ और बड़ा किए, दोनों बच्चे को भी लगा दिए, दोनों बच्चे को भी निकाल दिए, मेरे आदमी को भी निकाल दिए, मुझे भी निकाल दिए। यहाँ तक मेरे बच्चे को कह के कि तुम्हारी माँ का नाम संध्या, तुम संध्या के बच्चे हो, तुम संध्या के पति हो, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें कोई नौकरी। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपको जब करेक्टर लूज बोला उस समय, आप सब होंगे वहाँ पे, जी जी, तो आपने पूछा नहीं उससे कि करेक्टर लूज में किस बेस पे आप मुझे बोल रहे हो, कैसे हूँ मैं करेक्टर लूज? लेकिन उतने में धक्का धुकी होने लगा, उस शीशा तोड़ के उन्होंने मार किया। एक लेडीज को यहाँ टूट गई और एक लेडीज बेहोश हो गई और 24 घंटा ICU में GTV में रहा। उसका भी जो हम लोग FRI कराए थे उसको उन लोग भी पैसे के तौर से और सारे ले लिए। ये औरत, इनका भी मारा, इनका पूरा कपड़ा फट गया, इनका पूरा नंगा हो गई थी, इनका रिसीविंग भी है, पूरा नंगा हो गई थी भी। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ, DCP के पास भी गए, SK सिंह सबको नाम लिख के हम लोग का निकाल दिए। आप लोग को जिस तरह से आप बोल रहे कि नंगा करके मारा गया, कपड़ा पूरा फट गया, तो उस टाइम क्या आप लोग पुलिस कंप्लेन ऐसा कुछ नहीं पुलिस किया था? रिसीविंग करा रहे, DCP ऑफिस में दे रखी है, रिसीविंग करवा रखी है। मेरी ड्यूटी ऑफ थी, वो फोन करके बुलाया था कि ड्यूटी ऑफ है तो कोई बात नहीं अपनी वर्दी ले जाओ, तो वहाँ से धक्का दे के बाहर निकाल दिया और उसमें मेरी वर्दी फट गई। और सूट पहन रखा था वो फट गया, पूरी चुन्नी डले वहाँ गए तो हमें मिला है, जोनी डायरेक्टर से मिला है, त्रिपाठी से मिला है, शिविर त्रिपाठी से, ये सबसे मिल के वहाँ की बॉस बन गया है। वो 4-5 उनके साथ लेडीज रहती हैं जो उन लोग हैं ऐसे, उन लोग साथ, वही लेडीज उन लोग का साथ दे रहे हैं जो कि उन लोग का करेक्टर लूज, और उन लोग नहीं हैं।
और हम लोग का एसके सिंह ने तो कहा जो जो धरने पे जाएगा जो जो सामने कैमरे के नजर आएगा उन्हें तो किसी कीमत पर रखेगा नहीं, रखेंगे ऐसा बोला। डीसीपी को जो डीसीपी को कंप्लेन किया तो डीसीपी तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई हुआ वो लोग? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। डीसीपी उनके अंदर गए थे, वो क्या कहे ना कहे वो बात का हमें कोई पता नहीं, हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा डीसीपी से आप लोग को मतलब कोई समर्थन नहीं मिला? नहीं मिला, हम लोग नहीं मिला पहुँचने का किया। और आप एक महिला हैं और महिला होने के बाद आपको करेक्टर लूज बता रहा है, बताया जा रहा है, आपने महिला आयोग को कोई कंप्लेंट दिया? सर हम लोग कहाँ से दे सकते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कमाते हैं 5,000-6,000, खुद से खुद 10,000 रुपये अब मिलने लगा है। और बताइए इतने में हम चार चार परिवार जिसके घर में पांच पांच परिवार एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उन लोग का पूरे को धक्का मार के निकाल दिया गया। तो हमारे पास तो उतना रकम है नहीं कि हम आगे बढ़े, और आगे बढ़े भी तो हम लोग का पीछे हटा दिए। हम लोग तो अंदर दवाई लेने भी नहीं जाने देते, बाउंसर और गनमैन लगा रखे हैं। खींच खींच के बाहर बांह पकड़ के निकलता है गनमैन वहाँ के और बाउंसर। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लगाते हैं सरकार में हमेशा ये नारा आता है, दूसरी तरफ एक लेडीज के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कोई जानवर के साथ भी ना करे। एक तो खास तौर को उनको मारा जाता है, इंसाफ को तो नाम ही नहीं है कहीं पर। देखिए ये महिला अपने मुंह से बोल रही है, जैसे कि आप सभी ने सुने होंगे कि किस तरह से लेडीज के साथ व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पे। अभी भी एसके सिंह दो दो तीन तीन सिक्योरिटी लेडीज उनके झाड़ू पोछा कर रहे हैं। अभी वहाँ जाँच कराई जाए तो वहाँ काम करने जाती है, मैं फोन पे सुनवा सकती हूँ जाती है कि नहीं जाती है। हम लोग को नौकरी चाहिए मैम। बाउंसर सबसे आप लोग को धक्का मार के बाउंसर धक्का नहीं जाने देते, बाउंसर धक्का मारता है वहाँ के एक दो सुपरवाइजर पुराने हैं वो पहचान करवाता है कि वहाँ पे पब्लिक को जाना माना थोड़ी ना, हॉस्पिटल की दवाई लेने नहीं जाने देते। शुगर का इलाज चल रहा है, जाने नहीं दिया। देखिए शुगर का इलाज चलता है, हमको दवाई लेने को जाने नहीं देते हैं। बताइए हम कहाँ से खोलो आज की डेट ये एहवास हॉस्पिटल का है, इन्हें दवाई लेने नहीं जाने दिया अंदर। बाउंसर ने पकड़ करके बाहर निकाल दिया और हम निकल गए, मैं इस पर दवाई भी नहीं लिखाने दिया, दवाई भी नहीं लिखाने दिया। देखिए मेरा नाम संध्या है, संध्या के नाम से है सर, नहीं लिखाने दिया, बाउंसर बांह पकड़ के निकाल दिया है। डंडे ले रहे बहुत बड़े बड़े, कोई ऐसे नहीं है, इनके भी पैर का इलाज चल रहा है। मुझे भी आज एड्रेस होना था, मेरा भी आज एड्रेस होना था, मुझे भी बाहर निकाल दिया। तो हम भी बाहर निकल के जबरदस्ती करते हैं तो दो चार लड़के सिक्योरिटी को बुला लेते हैं, पुलिस बुला लेते हैं, तो फिर हमें निकलना ही पड़ता है। पुलिस बुला के उल्टा आप लोग पर ही अत्याचार होता है, पुलिस आके धक्का मार के निकालो रोड में, पुलिस चौबीस घंटे रहती है वहीं पे, चलते पुलिस पूछते हैं संध्या किसको नाम है, फातिमा किसको नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो। बीच बीच रोड में पुलिस पकड़ के हम लोग का बाहर हटा दे रहे हैं, बीच रास्ते से हम लोग का रोड में भी चलना जुलम कर दिया। वहाँ की पुलिस वहाँ की घुसखोर वहाँ खिला दिए पैसा, सड़कों पे ढूंढते हैं हम लोग, बताइए हम कैसे हॉस्पिटल जाए उनका मैडम। कल मैं दो नंबर गेट पे गई थी, आज मेरी डेट थी एड्रेस उनकी, तो वो दो नंबर गेट बंद कर दिया, तो एक नंबर गेट से अंदर जाने नहीं दिया, वो मैं अंदर घर ही ले आई वापिस।